विदिशा नगर पालिका की सीएमओ धीरज शर्मा अपने परिवार के साथ आज श्रीहरि वृद्धाश्रम पहुंचे, जहां उन्होंने बुजुर्गों को अपने हाथों से भोजन प्रसादी वितरित की, उनके साथ समय बिताया और पूरे परिवार के लिए आशीर्वाद प्राप्त किया। उन्होंने बातचीत में कहा कि यहाँ आकर और यहाँ बुजुर्गों के बीच समय बिताकर ऐसा महसूस हो रहा है जैसे कि अपने जीवन में इससे पहले इससे अच्छा कार्य उन्होंने कभी नहीं किया। थोड़ा सा ऐसे होना जरा, एक मिनट बोलूँ, थोड़ा सा तुम्हारा भी मतलब नहीं ना, नहीं ना, नगर पालिका की ओर सीओ साहब धीरज शर्मा जी की ओर से उनके माता जी की पुण्यतिथि, माता जी का नाम स्वर्गीय श्रीमती नाथा शर्मा जी की पुण्यतिथि के अवसर पर की गई है। और सपरिवार यहाँ आकर देवी सरस्वती जी की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर कार्यक्रम का शुभारंभ करें। आज का जो यहाँ वृद्धाश्रम में कार्यक्रम रखा गया है, आज चूँकि मुझे जो है अपने परिवार के साथ रंगपंचमी और होली के त्यौहार की बधाई देने के लिए मैं वृद्धाश्रम में आया हूँ, और इसी अवसर पर मैंने सभी को यहाँ पर जो अपने बुजुर्ग लोग हैं श्रद्धापूर्वक उनको भोजन कराने का कार्यक्रम रखा है। बस ये कार्यक्रम है कि त्यौहार पर उनके साथ हम इसको मनाएं। कौन कौन शामिल हुए हैं आपके साथ? मेरा पूरा परिवार है, मेरा छोटा भाई, मेरी पत्नी, मेरे बच्चे, सभी लोग। कैसा महसूस कर रहे हैं आप? बहुत अच्छा लग रहा है, बहुत अच्छा लग रहा है। मुझे लग रहा है कि मैंने आज अपना जीवन का सबसे अच्छा पल और ये समय में गुजारा। और सर, क्या संदेश देना चाहते हैं कि जो लोग जन्मदिन इधर उधर मनाते हैं उनको इन लोगों के साथ साझा करना चाहिए? मैं तो समझता हूँ कि अपना जो है जीवन का एक महत्वपूर्ण पल निकाल के हर एक व्यक्ति को यहाँ आना चाहिए, ताकि इनके साथ समय गुजार के अपना भी जो है समय अच्छा करें और इनके जीवन में भी खुशियाँ लाएं।